أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, today we will continue the chapter number 8 and the topic is sound. So when we talk about the sound hai kya? Basically sound is a vibration or the disturbance in a medium. Usme kya hota hai? थ्रू द पार्टिकल्स एनर्जी इज बिंग ट्रांसफर्ड. एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू. जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द साउंड, साउंड क्या है? साउंड इज अ वाइब्रेशन आर disturbance. Sound is a vibration or disturbance that travels through any medium through any medium by transferring the energy by transferring the energy from one particle to another. तो आपने देखा साउंड इज अ वाइब्रेशन और अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू एन अदर. साउंड क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है. एंड वी कैन हियर द साउंड when it reaches our ear. तो डियर स्टूडेंट्स, ये है साउंड की डेफिनेशन. साउंड बेसिकली क्या है? साउंड इज एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड. अच्छा, इसकी कुछ बातें जो हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के सिंपल से हम इनके कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, अगर साउंड के बारे में देखा जाए, द साउंड ट्रेवल्स ओनली थ्रू अ मीडियम. यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की. द साउंड ट्रैवल्स ओनली इन मीडियम. अब मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम में भी सॉलिड, मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या कोई गैस हो सकती है. बट नेसेसरी मीडियम होना बहुत जरूरी है. उसके बाद यही जो मीडियम है, द साउंड ट्रेवल्स इन फ्लूइड. फ्लूइड समझ रहे हैं, लिक्विड प्लस गैस. इसमें से लिक्विड में से या गैस में से गुजरता है एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. और यही साउंड जब किसी सॉलिड में से गुजरता है तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी होते हैं और ट्रांसफर वेव्स भी. साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड as both longitudinal as well as transverse as well as
ट्रांसवर्स वेव्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए साउंड के बाद अगर साउंड वेव्स, साउंड वेव्स का वर्ड जो हमने यूज किया, तो साउंड वेव्स बेसिकली है क्या? दीज वेव्स ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। ये क्या है? साउंड वेव्स क्या होते हैं? दीज वेव्स ट्रांसफर, दीज वेव्स ट्रांसफर द साउंड एनर्जी, द साउंड एनर्जी, दीज वेव्स ट्रांसफर द साउंड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई वाइब्रेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसी तरह से एक इसकी पॉइंट अगर और हम देखें साउंड वेव्स के हवाले से, तो ये जो साउंड वेव्स जब ट्रैवल करती हैं किसी मीडियम में, तो उनकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम जो है किस में होती है? गैस फॉर्म। मीन्स स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के बारे में अगर हम देखें, तो साउंड वेव्स की स्पीड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लिक्विड इज लेस देन द सॉलिड बट ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ गैस। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, स्पीड ऑफ द साउंड की जब हम बात करें, सो सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है, उससे किससे ज़्यादा होती है? लिक्विड से, और लिक्विड की स्पीड गैस से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स मैक्सिमम स्पीड साउंड की किस में होती है? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ अगर हम जाएं, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, तो मैंने एक एग्जांपल लिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टील के हवाले से। अगर इसकी स्पीड किस में? स्टील में जब साउंड ट्रांसफ़र होता है उस वक्त अगर उसकी स्पीड देखी जाए तो वह है 5970 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली एट 0 डिग्री। इसी तरह से अगर स्पीड ऑफ लिक्विड के हवाले से, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, तो मैंने इसमें इसकी एग्जांपल वाटर ली है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली एट 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास 1403 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्सीमेटली होती है। कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। और इसी तरह से एक एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड इन गैस लिया जाए, आपको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस, सो एयर में मैंने 0 डिग्री पे जब चेक की तो वो थी आपके पास 332 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम दिस फिगर्स वेरी क्लियर दैट स्पीड इन अ सॉलिड इज द ग्रेटर देन द लिक्विड एंड इट्स ग्रेटर देन द गैसेस। सो दैट वॉज द साउंड वेव्स। अब उसके बाद अगर हम कुछ और टर्म्स जो हैं साउंड से रिलेटेड उनको अभी डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहला जो है वो मैं कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। अब नेक्स्ट जो हम टर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। सो नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो यहां पे आता है द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस। मैं एक्सप्लेन करता हूं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल ऑफ द मीडियम पार्टिकल क्या कहा? द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल पर सेकेंड, पर सेकेंड इज कॉल्ड
इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब बात यहाँ पे आ रही है साउंड वेव की, फ्रीक्वेंसी की बात हम जब कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हमने कहा था नंबर ऑफ द वाइब्रेशन। देखिए ये अगर कोई वेव इस तरह से बनाए हम, ये जो आपके पास लेवल आ रहा है ये आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम। अगर सपोज करें यहाँ पे ये आपके पास, जैसे आमतौर पे वेव्स में हम इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ट्रफ कहते हैं, और इसी तरह से अगर सपोज करें यहाँ पे ये क्रस्ट हो गया और ये ट्रफ। हालांकि देखा जाए तो एयर के अंदर ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, फिर ये क्रस्ट और ट्रफ क्या, ये जो आपका क्रस्ट है ये किसको शो करता है? कंप्रेशन को। और ये जो ट्रफ आपका ये किसको शो करता है? आपके रेयरफैक्शन को शो करता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ पे ये एक वाइब्रेशन कहलाएगी, दिस वन इज वन वाइब्रेशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगी? ये सेकंड वाइब्रेशन। तो हमने कहा नंबर ऑफ द, सपोज करें फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा वो लेट सपोज इतना एक सेकंड टाइम के अंदर कितनी वाइब्रेशन हुई? 1 और 2। तो आप कह सकते हैं कि गिवन फिगर के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 2 हर्ट्ज़ है, यानी 2 वाइब्रेशंस इन अ सेकंड। आप कह सकते हैं कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस, दिस वन इज द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस पर सेकंड। टाइम कितना रिक्वायर्ड? 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी की। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड भी होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड भी होता है, लेकिन SI सिस्टम में यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन SI इज हर्ट्ज, और हर्ट्ज की एब्रिविएशन क्या है? HZ से हम इसको शो करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने की थी। और इसी तरह से एक और पॉइंट अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में देखें, साउंड वेव्स में ये पर्टिकुलर है कि जब मीडियम सेम रहता है तो थ्रू आउट मीडियम इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर मीडियम सेम रहता है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मीडियम। आई होप आपको ये फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट टर्म साउंड वेव्स का एक्सप्लेन करेंगे वो टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव्स, टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। देखिए लास्टली हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी के दौरान कि अगर ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही है तो आपने देखा ये क्रस्ट और ट्रफ ये मिलकर एक वन वाइब्रेशन कहलाती है। अब इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो टाइम आपका है इसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। यानी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय द मीडियम पार्टिकल to complete one vibration, to complete one vibration is called time period, is called
टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव्स। ये आपने देखा कि वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था, और ये वाइब्रेशन कौन कर रहा है, पार्टिकल कर रहे हैं, किसके, मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो वाइब्रेशन के एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये इन दोनों मीन्स एक अगर पॉइंट देखी जाए तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। सो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। सो अगर आप बात टाइम पीरियड की यूनिट की करें, यू नो दैट टाइम पीरियड बेसिकली इज अ टाइम, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इन SI सिस्टम इज सेकेंड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बाद जो नेक्स्ट टर्म है कंसर्न विद द साउंड वेव्स वो है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट the maximum displacement of the vibration of the vibration of medium particle, the maximum displacement of the vibration of the medium particle from its equilibrium position is called amplitude of साउंड वेव। देखिए स्टूडेंट, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजिशन, और इसके ऊपर अगर इस तरह से वाइब्रेशंस बनाई जाएं तो यहां पे आप देख रहे हैं बेटा, दिस वन इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है लेकिन मैक्सिमम कहां पे, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजिशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। जब हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इन SI सिस्टम इज मीटर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से करते हैं। एम्पलीट्यूड नोट कर लिया आपने स्टूडेंट्स। एम्पलीट्यूड के बाद अब हम वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव पढ़ेंगे। अब आप हमने नेक्स्ट जो है टर्म रिगार्डिंग द साउंड वेव्स वो आपके पास क्या है,
वो है वेवलेंथ्स, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, द डिस्टेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन, ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम पार्टिकल, ऑफ द मीडियम पार्टिकल, ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड वेवलेंथ्स, इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव. डियर स्टूडेंट, सपोज करें आपके पास ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये आपकी वाइब्रेशन है, ये भी आपकी क्या है वाइब्रेशन है. तो एक वाइब्रेशन के लिए, यानी एक वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे वेवलेंथ, और इसको शो किससे करेंगे लैम्डा से शो करेंगे. ज़रूरी नहीं है यहाँ से ही स्टार्ट हो. अगर सपोज करें एक और वेव है, ये सपोज करें ये वेव है यहाँ पे, और करस्पॉन्डिंग किसी भी वेव के ऊपर दो करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव जो पॉइंट होते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं बेटा वेवलेंथ. जैसे सपोज करें एक पॉइंट ये है और दूसरी पॉइंट ये है, दो सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको भी आप क्या कहेंगे वेवलेंथ कहेंगे, और इसको भी लैम्डा से शो करेंगे. सो वेवलेंथ के यूनिट की बात करें, सो यूनिट ऑफ वेवलेंथ इन एसआई सिस्टम इज मीटर एंड इट्स आल्सो रिप्रेजेंट बाय एम. इन टर्मोलॉजी की बात जो है साउंड के हवाले से अगर देखा जाए तो जनरली हम इसके दो टाइप्स की बात करते हैं, एक होता है म्यूजिकल साउंड, दूसरा होता है नॉइस. जब वर्ड आप म्यूजिकल साउंड यूज करें इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, बैंड बाजा होगा या इस तरह से. म्यूजिकल साउंड बेसिकली क्या है, जिसका इम्पैक्ट हमारे जहन पे प्लेजेंट इफेक्ट हो, जैसे जो हमारे कानों को भा जाए. उसमें होता क्या है पेरेडिक और सम वर्ड जो है वो रेगुलर होता है, यानी म्यूजिकल साउंड. पहला क्या है म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड. तो म्यूजिकल साउंड क्या होता है, किसको कहते हैं, इसके वाले से दे आर पीरियडिक एंड सम वॉट्स रेगुलर साउंड वेव्स, साउंड वेव्स. सेकेंडली मैंने आपसे क्या कहा कि इनका इम्पैक्ट जो होता है हमारे जहन पे और हमारे कानों पे जो इसका असर होता है वो क्या होता है प्लेजेंट होता है. देर इज अ प्लेजेंट इफेक्ट इफेक्ट ऑफ म्यूजिकल साउंड, ऑफ म्यूजिकल साउंड ऑन आवर ईयर्स एंड माइंड. उसके अलावा इसके इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो सडनली चेंज नहीं होते. द एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ
म्यूजिकल साउंड डू नॉट चेंज सडनली. इसमें एक रेगुलरिटी होती है, एक रिदम होता है कि ऐसा साउंड जो पीरियडिक ना हो, इरेगुलर हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं. इसी तरह से उसका इम्पैक्ट जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, जिस तरह से डिफरेंट किस्म के आपने साउंड्स देखे होंगे, जैसे रिक्शा हो गया या इस तरह से, वो हमें अच्छा नहीं लगता. अच्छा, ये एक और चीज़ जो ऐड करनी है वो ये है कि साउंड जो म्यूजिकल साउंड या नॉइज, ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी है. सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ज़रूरी है सबके लिए एक तरह हो. जैसे सपोज करें एक सॉन्ग है, फुल लाउडली कोई सुन रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, तो उसके लिए वो म्यूजिकल साउंड हो गया. लेकिन एक बराबर में जो अंकल बैठे हुए हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा जो वो डिस्टर्ब कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए वही सेम जो सॉन्ग वो क्या बन गया, नॉइस. तो आप अगर नॉइस के बारे में पढ़ें तो नॉइस क्या है, बिल्कुल इसी के ही हम अगर इससे कंपेयर कर लें, ऐसे समझें कि डिफरेंस करें. सो फर्स्ट जो है आपके पास, ये आपके पास आ गया नॉइस. और नॉइस बेटा, नॉइस क्या है, फर्स्टली अगर हम जाएं, अनप्लेजेंट साउंड. क्या अनप्लेजेंट साउंड? अनप्लेजेंट साउंड इज ऑफन डिस्क्राइब, इज often described as a noise, is often described as a noise. इसी तरह से ये जो है क्या होता है, irregular होता है. Noise is more irregular form of waves. इसमें कोई रिदम नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं होती. उसके अलावा the amplitude and frequency of noise change suddenly, and that pains our ear. So student, I hope के sound क्या है, साउंड की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, म्यूजिकल साउंड क्या है और नॉइज़ क्या है. वी हैव डन द फर्स्ट लेक्चर. थैंक यू.